तो फाइनली भाई कार्डियो तो पूरा हो गया डन। बेल्ट इतनी बड़ी बेल्ट, ये बेल्ट इस चीज के लिए जरूरी है, आपकी वेस्ट लाइन को यहाँ से जो बढ़ने नहीं देगा, ठीक है, तो इसलिए पहनना पड़ता भाई। तो मेरे ऐसे कोई पहनना चाहिए है? मेरे ऐसे कोई पहनना चाहिए, मेरी इतनी वेस्ट है ही नहीं। तो चलो भाई अब एप्स टेस्ट कर लेते हैं, कार्डियो तो हो गया डन, अब अपना एप्स से ट्रेनिंग करते हैं दिखाता है। चलो भाई फर्स्ट एप्स एक्सरसाइज है रोप क्रंचेस, तो रोप क्रंचेस लगा लेते हैं 20-20 के 4 सेट, 16 17 18 19। तो भाई नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी हमारी डिक्लाइन क्रंचेस, तो डिक्लाइन क्रंचेस ऐसे करना है हाफ मूवमेंट से ऊपर जाना है, और इसके भी 20-20 से 4 सेट। तो भाई थर्ड एंड लास्ट एक्सरसाइज एप्स की वो रहेगी हैंगिंग लेग रेज, तो हैंगिंग लेग रेज आप इस पे भी कर सकते हो और लटकते नॉर्मल वैसे करना चाहते हो वैसे भी, उस पर मूवमेंट थोड़ी बहुत हिल मिल जाती है, इस पे हिलेगी नहीं क्योंकि बैक पीछे बैक सपोर्ट है। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। जब भी आप एब्स की एक्सरसाइज कर रहे हो, जब ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट का खेल जरूरी है, उसमें बहुत जरूरी है, जब आप ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको ब्रीद आउट करना है, ये जरूरी याद रखना। और हर किसी में जैसे आज मैंने लगाया 20-20 के 4 सेट, तो हर अगले हफ्ते मैं एक रैप बढ़ाऊंगा या दो रैप बढ़ा दूंगा, चाहे मैंने 21 रैप करने हो चाहे मेरे को 22 रैप करना हो, तो हर सेट में ऐसे ही करते हुए जाना है, तो आप इससे रैप रेंज बढ़ जाएंगे। तो आप चलो भाई अपना घर चलते हैं। भाई फाइनली मैं अपने मील बना के ही दिया था, तो ये देख लो ये मेरी मील टोटल दिखा दे पर मेरे पास आ गए, ये ऐसा लगा मुझे पत्थर से बजे। और भाई देखो एक एक दुकान में नहीं आया, और एक दुकान नहीं आया, एक दुकान नहीं आया, ये टोटल देखो सारी, ये सारे पीनट बटर हो गए, ये हनी हो गया, यहाँ पे सारा प्रोटीन सारा बर्तन निकालो आपका मेरा सामान भर सकता है सारा। तो भाई ये चीज जरूर रखनी पड़ेगी, किचन का रखू नीचे वो आप देखो अब आप ठीक है, और ये भी मेरा सोता सारा। तो चलो भाई अभी फर्स्ट मील रेडी है, ये लेते हैं फिर आपको आगे भी। जैसे होता है ना कि मैंने रूम में अलमारी ले रखी सारी, तो उन्होंने किचन की अलमारी ले रखी सारी। तो भाई नहा धो के अपने रेडी हो गए और अपनी सेकंड मील ले लेते हैं। सेकंड मील में क्या ले रहा हूँ, 200 ग्राम राइस एंड 170 ग्राम चिकन, साथ में वेजीज है जिसमें शिमला मिर्च बीन्स और प्याज डाला हुआ है, ठीक है भाई। तो ये हमारी सेकंड मील हुई, और मैडम की सेकंड मील देख लो, मैडम तो फिर भी यार अभी भी पराठे और वो भी कैसी जो हुई है मटर मटर के पराठे। चलो भाई मैडम आप मुझे बुक कर दीजिए, हाँ चले। तो चलो भाई आज मूवी देख के देखने चलते हैं, 12:55 का है। तो भाई अब ये कोई पूछना कि हमने क्यों किया जल्दी का, क्योंकि हमने सोना होता है बहुत जल्दी काम 12:55 देख के अपना फिर सोएंगे आराम से, सही है ना। तो चलो एक अभी मील मिलने का फिर चलते हैं, मूवी देख रहे हैं आपको दिखाते हैं, कौन सी मूवी देख रहे जा रहे हैं। चला रहे मैडम मूवी मूवी देख रहे हैं, इंस्टेंट प्लान इसी को बोलता है। मैं इसको धोना ही चाहती दोबारा, पर आप धुलवाओगे मुझे लग रहा है। आ जा तुझे भी बताओ सच में आ गया बोलने से,
चलो चलो चले चलो जी स्टार्ट करते हैं। रात में थी ना तो डंडे पे गई थी, फर्क नहीं पड़ता। चलो भाई एक बार बता देते आपको कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं। मूवी देखने जा रहे हैं हनुमान जो नहीं आई है। हनुमान है वो, वैसे हनुमान उसको मान ही बोलेंगे। हाँ चलो यार देखा था बढ़िया था। और आपको रिव्यू बताते हैं कैसी है कैसी नहीं है मूवी। और मेरे रिव्यूज पे जाएगा, उनके रिव्यूज में जाएगा। मैं मूवी बहुत रेयर देखती हूँ तो मेरी जो रिव्यूज है मतलब मूवी वैसी ही है। और कुछ लोग तो बिगर बात के मूवियों में बुराई ढूंढ लेते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। पर ऐसा कुछ नहीं, अगर कोई चीज एंटरटेनमेंट के लिए उसको एंटरटेनमेंट के बेस पे ही लेनी चाहिए। जो रियलिटी में हो रहा है उसको रियलिटी बेस पे लेना चाहिए। चलो क्रिसमस तो गया। ओडी नंबर 4 है। 4 है कौन सा है क्या चल रहे तो भाई मजा आ गया मूवी देख कर। मूवी कैसी लगी मैडम आप खुद बताओ भाई। सच बताओ लिटरली रोड़ा आ गया था। सच बता जब अरुआ जी सामने आते हैं ना तो सच में भाई जो रोड़ा और रोंगटे खड़े हो रहा है ना वो इस मूवी में है ना। और पहली कोई मूवी है जो मैंने पूरी इंस्टाग्राम पे शेयर करी है जिसने ना देखी। और भाई एक बार अगर देखो तो पता चलेगा भाई मूवी में जहाँ ना पूरी। और भाई अभी तो एक और पार्ट आ गया मूवी में बहुत फेकनेस दिखाई है। फेकनेस नहीं दिखाई जितना मतलब पहले रहा होगा हनुमान जी का वही चीजें दिखाई वही चीजें दिखाई है पर प्रॉपर दिखाई है A to Z। पर इसका सेकंड पार्ट अगले साल। हाँ जो अच्छे से प्रॉमिस देखना है हनुमान जी राम जी के बीच में क्या प्रॉमिस हुआ था। पर भाई जो ये वाला पार्ट है ये वाला पार्ट पहले देख का वो अच्छा लगे। जब देखना हो तो खोल के देखना तो खोल के देखना है ना। फोन बहुत स्पेस है मैं डाल सकता था तुम्हारे लिए। भूल गए चलो कोई नहीं भाई एक और टिकट ले लेंगे अभी थोड़ी देर में। इसको दो तीन बार देख सकते भाई ऐसी मूवी है। एक पहली एनिमल मूवी और एक ये मूवी ऐसी है जिसको मैं दोबारा देखने की चाह रख रही हूँ। मेरे तो एनिमल चली गई एनिमल देखने के चाह में मेरे तो नहीं थी पर हाँ ये जो देख रहे हैं मेरे मन में पूरा था। उसमें बुरी चीज को बुराई दिखाया था बुरी चीज पर जो भाई मेरे को ये अच्छा लगता था पार्ट उस चीज ने को लोगों ने अलग अलग चीज ली बट उस चीज का अगर मॉरल ऑफ द स्टोरी लिया जाए उस मूवी का एनिमल का ये था भाई वो रिश्तेदारों कोई जो गलत है वो गलत है वहाँ चीज खत्म मूवी ये था बट लोगों ने उसको किसी और चीज से ले लिया। और भाई यहाँ इसलिए बैठे हैं मैडम से बहुत बहुत आ रहा है और मेरा मेरा हाँ तो पिज्जा आ रहा है पिज्जा और मेरा अभी नीचे चल के हम पीने वाले कॉफी। वर्कआउट में इतनी अगर जी आ रखी है सच बता रहा हूँ रोड रोड मोड़ दूंगा मेरे अंदर भी मेरे तो एप्स कर क्योंकि रिप्स स्वेल से लग रहे हैं। फिर ऐसा कर रहा है जाते रोड रोड मोड़ दूंगा ऐसा हो रखा है। नहीं वो तो ठीक है अब तक मैं नहीं कर रही मैं रिप्स ना बिल्कुल छूने में दिक्कत है छूने में दिख नहीं रहा मोटे मोटे जो हैं। चलो भाई अब चलते हैं आपको दिखाते हैं चलता है। मैं रिपीट करूंगा तो बताओ भाई क्या लिया जाए। फ्रेश वॉर अपग्रेड मेक इट मील मीट फॉर तो भाई मैडम को गाड़ी पसंद आ गई है MG कॉम्पैक्ट है ना। ये बेस्ट है यार आपके लिए ये ना उनके लिए जो स्कूटी चलाती है ना मुझे ठोकती ज्यादा है
वो आंसर ही है। मैडम इनको चलना नहीं सिखाओ यार। गई लेडीज के लिए जिनको स्कूटी भी चलानी है और ठोकना भी, एटलीस्ट सेफ तो रहेंगी वो। हाँ। तो उनके लिए गाड़ी बनी है, ज्यादा ज्यादा 6-6.5 लाख की है, ज्यादा महंगी भी नहीं है। मेरे को तो मस्त लग रही है यार। कहाँ गई? आप बैठ के देखो आगे से। सिस्टम भी आ गया है, बैटरी सिस्टम भी आ गया है। बैटरी सिस्टम ही है इसमें, पर इसमें ना पानी नहीं मार सकते आप। क्यों? साफ चलेगी, करंट लग जाएगा आपको। ले भाई मैडम आइए आपसे मिलने जाओ। हाँ मैडम का नाम पूछ लेना। हेलो दूर दूर सही कर रहे हैं। हाँ अच्छा मैडम, तो भाई मैडम को आ गई MG की कॉम्पैक्ट पसंद, तो भाई थार कैंसिल करते हैं। थार फिर कैंसिल करवाए? ये उनके लिए जो स्कूटी चलाती है और ठोकती है, तो उनके लिए सेफ चीज़ आ गई है, स्कूटी का काम भी करेगी, ठोकने को बचाएगी। तो भाई मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, मेरे को तो नहीं। थार कैंसिल करते हैं तो मैडम इसको बुक कर देते हैं, वहाँ से वो कोक तो निकाल लें अपनी, यहीं से निकाल लें, यहीं से निकालो। चले आप, कोक फ्री मिल रही है? नहीं नहीं, जादू है। तो चलो भाई आप अपने घर चलते हैं, यहाँ आ जाए, बेसमेंट में जाना है, अपनी स्कॉर्पियो ना ले चले। इतनी खतरनाक, चलो एक दिया ले रहे, दिए ले रहे, दिए कितने ले गए मैडम? है 60-70 या 100? ये आगे वाला, ये कितने का ये? सही लगाना ये। हाँ ये सेम ही लाई थी ना मैं, ऑरेंज कलर का। हाँ कितने का ये? 300 रुपए का। 300 रुपए का ये? चलो मैं 100 रुपए में दिलाऊं। ये भी ना, हमारे पास इतने हमें क्यों चाहिए? तो हमें दे दे यार। और दिए कैसे दिए? भाई आजा आजा आजा, मेरे की जगह से ले मुझे। ये पागल बना रहे हैं। चलो जी सुनो, एक मैं ही रही हूँ जो 2-3 दिन पहन के आती हूँ। हाँ। खुद को देखो, और अंदर एक लड़की है उसने भी 2-3 पहन रखे। मैं तो सही पहन रहा हूँ। कितने पहने नीचे? ये भी पहने। अंदर ये है, ये नीचे ऐसे खोल खड़ी नहीं दिखा रहे। हाँ ठीक है, अंदर लड़की गई 3 पहनी गई है। एक मैं ही नहीं हूँ जो उसको बोलते 4-4 कपड़े पहनती है। तो सर्दी में तो सर्दी वाले कपड़े पहने, आपने क्या पहने? कंबल जैसा कपड़ा पहन रखा है, बस मेरी बुराई की है। जाओ वो रही अपनी गड्डी, वो रही अपनी गड्डी, और ये रहा मेरा पति। प्लीज फॉलो करो, सब्सक्राइब करो समय कटारिया फिटनेस, इंदुर कटारिया स्टार्ट। तो वही वो आ गए अपने जिम पे, अब करेंगे अपना वर्कआउट स्टार्ट। तो आज हमें जानी है हैमस्ट्रिंग, आज दोनों साथ ही करेंगे, तो आपको दिखाते हैं साथ में ट्रेनिंग कितनी है, कितनी है। कर लो मैं एक हफ्ते से कर रही हूँ वर्कआउट, और मैं कल भी वर्कआउट करूंगी। सबसे बड़ी बात तो पहले ये बताओ इंप्रूवमेंट कितना मिल रहा है? इंप्रूवमेंट दुनिया है जी, ना बॉडी में पेन है, ना थकावट है, ना सर दर्द हो रहा है, ना कुछ फील कर रहा है। इवन बाहर जाके भी थकावट फील हो रही, भूख लग रही है अब आपको। वर्कआउट है और कितने जितने रैप मारे वो भी दिखाए, मेहनत का भी और मेरा भी। ये अलग अलग पेज पे डलेगा भाई, मेरा अलग पेज पे रहेगा, इसका अलग पेज पे। चलो जी फर्स्ट एक्सरसाइज है भाई अबडक्टर, तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ग्लूट्स के लिए, आपके लिए सबसे बेस्ट। 20-20 के 3 सेट लगाने 20-20 के। तो ये पहले एक्सरसाइज है हमारा 19-20। ये बड़ी मस्त एक्सरसाइज।
कितना स्टेप मिलता है? एक बस प्रॉपर। तो भाई अपने सेकंड एक्सरसाइज रहेगी लेग कर्ल, तो इसमें लगाने हैं 3 सेट। तो फर्स्ट सेट लगा रहे हैं 40 किलो से, पिछली बार लगाया था 35 से, तो इस बार 40 किलो से पहला सेट और 15 रेप लगाएंगे। चले जी। यस। तो भाई अपनी तीसरी एक्सरसाइज रहेगी जो कि है स्टिप डेड ग्रिड डंबल, ठीक है। तो इसको रोड के साथ भी कर सकते हो, इसको मैं ज्यादा करता हूँ भाई डंबल के साथ, देखो डंबल से ज्यादा फील आता है एज कम्पेयर रोड के साथ। तो भाई इसके लगाने हमें 3 सेट्स, तो टोटल मैंने 20 किलो ही ले लिया, तीनों सेट में 20 किलो से ही लगाऊंगा और 15-15 रैप लगाने। स्लो मूवमेंट, जितने स्लो करोगे उतना बढ़िया है। 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. स्टार्ट। तो भाई अपनी आखिरी एक्सरसाइज रहेगी काफ रेज, स्टैंडिंग काफ रेज। तो इसके हमें टोटल 3 सेट लगाने हैं, 3 सेट में 20-20 रैप है। तो भाई टोटल 4 एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग की, बढ़िया से करो और फोकस होकर करोगे ना तो रिजल्ट गारंटेड मिलेगा आपको, और बढ़िया कॉन्ट्रैक्शन के साथ वर्कआउट करते हो ना तो एक अच्छा पंप भी मिलेगा। तो अपना या तो पार्टनर ऐसे चूज करो, या अपने अकेले करते हो अकेले अच्छे है, इतने इंटेंस करो कि अपनी बॉडी थक जाए, तो वो जरूरी है। थोड़ा ध्यान रख के करो एक्सरसाइज को, जितना ध्यान करो ना तो हर जगह माइंड सेट जरूर काम आता है, जितना माइंड से ट्रेनिंग करोगे उतना अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा और जल्दी जिसको गेन करना हो गेन होएगा और जिसको कट करना होगा वो कट होएगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। मैं नहीं बना रही वीडियो, मेरे को लेके नहीं जा रहे हो पार्टी में। चलो भाई मैं तो रेडी हो गया, कुछ भी नहीं करा, सब जैकेट पहन ली। ये अच्छा था यार, आप ना आज यूं तैयार हो गए, सच बता रही हूँ, यूं ही तैयार हो गए, यूं ऐसे हो गए, उन्हें तो अल्लाह दिन का चेहरा घिसा और आगे आ गया इंसान ऐसी। भाई कुछ नहीं किया, बस अंदर की टी शर्ट के ऊपर जैकेट डाल ली जो की सुबह से पड़ी कुर्सी पर, नीचे जींस पहना और तैयार। लड़के भाई देखो 5 मिनट में रेडी हो जाते हैं और लड़कियां दिमाग खराब कर देती है भाई, इतना कम कम बोलो कम, वरना जाने भी ना दूंगी, ठीक है ना। चलो भाई मैं तो जा रहा हूं, बाय बाय, ठीक है, इसी तरह दोस्तों बाय बाय, जा रहा हूं। व्लॉग फिनिश, मैं व्लॉग अभी फिनिश कर, अभी तो जाना है। इसी तरह दोस्तों की बोल दिया, आराम से जाना और समय से आना, बज रहे हैं 9, अभी आपको आधा 20 मिनट तो लग जाएंगे पहुंचने में कपिल के पास, फिर जाओगे वहां से तो आप 1-1.5 घंटे में वापस आ जाना, मतलब 11:30-11:30 बजे तक आ जाना। ओके, मेरे को लेके नहीं जा रहे आज, अकेले अकेले जा रहे हैं। चलो भाई बाय बाय। क्या बाय बाय बोल दो, आता हूँ जल्दी, आराम से जाना पर, ठीक है भाई। हद मचा दी इसने, देख लो एक दिन छोड़ के जाऊं इतना अकेले में, तो ऐसे कर दे है, देख लो भाई। रूस की। चलो भाई मैं तो चलता हूँ अब। तो भाई अनिल के साथ मोए मोए हो गया, ये 9 बजे के जा रखे हैं और 12 बज गए, खाना खाने को नहीं मिला पार्टी में, और इनके निकलते 15 मिनट में खाना शुरू हो गया, ये बताओ यार, बताओ
11:50 हो रहे हैं, 15 मिनट पहले ही खाना शुरू हुआ है अभी तुम्हारे पहुंचते ही, और आके भाई देख लो यार 11 बजे आ रहे हैं ना, हम कितने बजे पहुंच रहे हैं 9:30 बजे और 11:30 बजे बाद खाना चालू हो रहा है ऐसा आने के बाद, वो भी कौन सा शादी होती है तुम्हारे आने के बाद क्यों तो भाई इस व्लॉग को एंड करते हैं आज इनकी भूख के साथ, तो भाई कल मिलेंगे, आज खाना खाने देते, मैं ही बोल देती हूँ बाय बाय, टेक केयर।